हमने 500 साल हिंदुओं पर हुकूमत की है। हेलो दोस्तों, राम राम। माँ काली मूवी का टीजर रिलीज कर दिया गया। माँ काली मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो 1946 का दिखाया जाएगा। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये तो टीजर और ट्रेलर मूवी में देखने के बाद पता चलेगा, पर ये रियल घटना पर आधारित कहानी है। तो पहले टीजर देख लेते हैं माँ काली का। 1946 बंगाल ब्रिटिश इंडिया, हिंदुओं पर हुकूमत की है। क्या अब हम उन काफिरों की हुकूमत में रहेंगे? ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान को सत्ता सौंपने का ऐलान किया है। काफिर हिंदू लोग अखंड भारत का नापाक ख्वाब देख रहे हैं। जिन्ना साहब के फरमान पर मैं सुबह बंगाल का प्रधानमंत्री हुसैन शाहिद सुरावर्दी आज डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करता हूँ। सेना के हुक्म से ये जमीन पाकिस्तान बनेगी। माता काली की मूर्ति गिरा दिया है माँ काली। और ये प्रताड़ना वो तब तक करते रहे जब तक सारे हिंदू लोग या तो मुसलमान बन जाएं या मर जाएं। कमिंग सून थिएटर, हिंदी, बंगाली और तेलुगु में ये मूवी रिलीज की जाएगी। माँ काली इसका नाम शायद इसलिए रखा गया ना क्योंकि कोलकाता की मूवी है। इसमें सब कुछ वहीं के बारे में दिखाया गया। हम के लोग चूड़ियाँ फोड़ते हैं ना, वो सफेद और लाल फोड़ते हैं। वहाँ के लोग जो औरतें होती है ना, सफेद और लाल चूड़ी पहनती, वो फोड़े जाते हैं। टीजर बहुत दर्द से भरा था। 1946 में जब भारत आजाद होने वाला था तब की कहानी दिखाई गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इसमें दिखाते हैं कि ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान को आज़ाद करने की बात करता है, पर दूसरे धर्म के लोग हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान रहेगा ही नहीं। और वो किस तरीके से जिन्ना की भी बात करते हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भी बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, और फिर मार धाड़ बहुत होती है। इसमें दिखाया जाता है गोली चला दी जाती, क्योंकि इसमें दिखाया गया या तो उन लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा या उनको अपनी जान देनी पड़ी, तभी वो कोलकाता में पश्चिम बंगाल में रह पाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा, हिंदुस्तान जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी, उनका ये मानना था। मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये टीचर था, ज़्यादा इसमें कुछ दिखाया नहीं गया, पर हाँ जितना भी दिखाया गया ना उसको देख के यही लगता है कि उस टाइम औरतों की, बच्चों की, लड़कियों की, सबकी बहुत बुरी दुर्दशा थी जो दूसरे धर्म के लोगों ने की। कैसे आज हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं ना, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तब हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, आज़ादी से बोल रहे हैं, आज़ादी से हर काम कर रहे हैं। टीजर बहुत अच्छा था। मूवी कब आएगी अभी इसका भी अनाउंस नहीं हुआ है। मूवी 3 भाषाओं में आए, हाँ ये है कि दिसंबर तक ये मूवी आ जाएगी। भड़काऊ मूवी है। अब इसको देख के लोग कितना भड़कते हैं, कितना सहमते हैं। टीजर को देख कर ये सोचने पर आदमी मजबूर हो जाएगा ना। टीजर देखा और ट्रेलर देखेंगे हम लोग और मूवी देखेंगे तो इसमें दिखाया जाएगा। देखिए उसमें ओम लिखा होता है दीवार पे और वो उसको मिटा देते हैं और माँ काली की मूर्ति को ना वो धक्का दे देते हैं, क्योंकि बंगाल में माँ काली की बहुत ज़्यादा पूजा होती है। और वो टीजर में दिखाया गया हमारी आस्था को ठेस पहुँचाते हैं, इसलिए मीडिया फैक्ट्री इस मूवी को बनाया है। और निर्देशक हैं इसके विजय एलकांती, रायमा सेन और अभिषेक सिंह। इस मूवी में छोटी सी झलक उनकी दिखाई गई, शायद वो मेन रोल में होंगे। अभी ट्रेलर आना बाकी है, मूवी की डेट आनी बाकी है, पर टीजर बहुत धमाकेदार था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि 500 साल तक इन्होंने हमारी गुलामी की है, तो क्या अब हम इन काफिरों की गुलामी करेंगे। मतलब एक भड़काऊ मूवी है जिसको देखकर दंगा भी हो सकता है। इस टीजर को देख के बहुत से लोग भड़क जाएंगे, बहुत से लोगों को खुजली होने लगेगी, पर ट्रेलर आएगा
तो शायद नेशनल पाउडर पड़ जाए और उनकी खुजली बंद हो जाए। इस टीजर को देख के तो हमें ऐसा ही लग रहा था। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये टीजर देख के आपको क्या लग रहा था। बने रहिए हमारे साथ रिएक्शन वाली लाइन को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।